5 राज्यों में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में 4 के नतीजे आ जाने हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनावी रुझानों में भाजपा को बहुमत मिल गया है। वहीं तेलंगाना में कांग्रेस को बहुमत मिलता दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने की दिशा में है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार दोपहर 12 बजे तक मध्य प्रदेश में बीजेपी 158 सीटों पर आगे है, जबकि कांग्रेस 69 सीटों पर है। राजस्थान में बीजेपी 119 सीटों पर आगे है और कांग्रेस में 63 सीटों पर है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी 55 सीटों पर है, जबकि कांग्रेस 32 सीटों पर है। और 3 राज्यों में बड़ी जीत मिलती देख भाजपा ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए भाजपा नेता संबित पात्रा और स्मृति ईरानी ने वीडियो शेयर कर तंज कसा। इस समय केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने एक ट्वीट में लिखा, एक अकेला सब पर भारी। उन्होंने एक अन्य ट्वीट में पीएम मोदी की तस्वीर शेयर की और कहा, द मोदी मैजिक। वही कपिल मिश्रा ने कहा कि ये जीत मोदी जी के लिए है, ये जीत हमारे सनातन धर्म के लिए है, ये जीत हमारे देश के लिए है और ये जीत विकास के लिए है। वही उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश भर में बड़ा समर्थन है। आज हम ये पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं कि पूरे देश में मोदी जी के प्रति एक आत्मविश्वास है और मोदी जी के मन में देश के प्रति एक ऊंचा आदर है और मध्य प्रदेश में हमारी सरकार है।